1555 में आज ही के दिन हुमायूं ने सिकंदर सूरी को पराजित कर अकबर को उत्तराधिकारी घोषित किया। 1857 में आज ही के दिन लंदन में विक्टोरिया और अल्बर्ट संग्रहालय आधिकारिक तौर पर रानी विक्टोरिया द्वारा खोला गया। 1865 में आज ही के दिन डॉक्टर डब्ल्यू जी ग्रेस ने प्रथम श्रेणी क्रिकेट की शुरुआत की। 1906 में आज ही के दिन स्वीडन ने राष्ट्रीय ध्वज अपनाया। 1911 में आज ही के दिन किंग जॉर्ज पंचम को इंग्लैंड का राजा बनाया गया। 1939 में आज ही के दिन सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से अलग होकर फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की। 1941 में आज ही के दिन हिटलर ने तत्कालीन सोवियत रूस पर आक्रमण किया। 1950 में आज ही के दिन बॉलीवुड अभिनेता टॉम ऑल्टर का जन्म हुआ। टॉम ने टीवी शोज के अलावा 300 के करीब फिल्मों में भी काम किया है। उन्हें खास तौर पर मशहूर टीवी शो जुनून में उनके किरदार केशव कलसी के लिए जाना जाता है। वर्ष 2008 में उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया। 1984 में आज ही के दिन लंदन के हिथ्रो एयरपोर्ट से वर्जिन अटलांटिक एयरवेज ने पहली उड़ान भरी। 1990 में आज ही के दिन फिलीपींस में माउंट डेडिकास के पानी के नीचे ज्वालामुखी का विस्फोट हुआ। 2012 में आज ही के दिन पराग्वे के राष्ट्रपति फर्नांडो लुगो पर महाभियोग चलाकर पद से हटाया गया और फेडरिको फ्रांको नए राष्ट्रपति बने। 2016 में आज ही के दिन इसरो ने अंतरिक्ष में एक साथ 20 उपग्रह प्रक्षेपित कर इतिहास रचा।